हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गई। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मैं उपमा बना रही हूँ। आप सब लोगों को मालूम है मगर मैं झटपट बनने का, आपको अगर भूख लग रहा हो तो फटाफट बनाने के लिए, तो कैसा बनाते हैं वो मैं बता रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एकदम रफली चॉप कर लिया है, पूरा 2 प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्ची ले सकते हैं, स्पाइसी अपना मुताबिक लीजिए। और इसके बाद में मैं यहाँ पे पैन लगा चुकी हूँ। पैन लगा के यहाँ पे मैं तेल बहुत कम डाल रही हूँ। देखिए, छोटे चम्मच से 2 चम्मच उतना तेल डाला है, क्योंकि मेरा बेटी डाइट में है तो वो तेल ज़्यादा नहीं खाता है, उसी के लिए बना रही हूँ मैं। तो मैं तेल बहुत कम डाला है और राई, इसके बाद में राई डालते हैं। तेल भी अच्छा सा गर्म हो गया। उसके बाद में हरी मिर्ची डालते हैं। हरी मिर्ची आप लोग अगर ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो थोड़ा हरी मिर्ची और ज़्यादा ले सकते हैं। हरी मिर्ची डालते हैं, उसके बाद में मैं प्याज डाल रही हूँ। और प्याज को भी ज़्यादा देर तक नहीं भूनूंगी, क्योंकि उसको ज़्यादा देर भूनना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं भून सकते हैं, जस्ट कलर चेंज हुए तक। देखिए, तेल भी कम है और तीखा भी कम है, तो कितना अच्छा टेस्ट टेस्ट रहता है, आप सब लोगों को मालूम है। अभी आप थोड़ा लाइट से अच्छा सा भून लेते हैं इसे। देखिए, इस तरह से प्याज अच्छा सा भुनना है। हम जैसे उपमा का लिए भुना तो बहुत सारे देर तक हम भूनते हैं लो फ्लेम में लगा के, तो देखिए सिर्फ कलर चेंज हुए तक भुना मैंने, ज़्यादा देर भी नहीं भुना, क्योंकि हम तेल कम डाले हैं तो ज़्यादा देर लगाए तो काले हो जाते हैं प्याज, पूरा दाग लग के। यहाँ पे मैं 1 कप रवा लिया है, आपको पहले बता चुकी हूँ 1 कप रवा लिया है। तो 2 कप पानी लेते हैं, 2 कप पानी डाल के। अगर आप लोगों को रवा रवा जैसा चाहिए बोले तो 1 ही कप, 1.5 कप दर तक डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड के जैसा बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कप पूरा ले लिया है। उसके बाद में हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं। देखिए, एक बार मैं आपको प्याज को बताती हूँ, ज़्यादा देर भुना भी नहीं है और अच्छा सा भुन भी गया है। देखिए, ऐसा रहना चाहिए डाइट में जब खाते हैं तो ज़्यादा भुनना नहीं चाहिए। वेजिटेबल्स रहने दो, नहीं तो अपन कुछ पत्ता खाते हैं वो भी ज़्यादा नहीं भुनना चाहिए। देखिए प्याज, और उसके बाद ये अच्छा सा पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अभी हम पहले से लेकर रखे रवा, वो रवा डाल देते हैं। रवा को आप लाइटली फ्राई भी कर ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा कच्चा भी डाल सकते हैं। अभी रवा डालने के बाद इसको थोड़ा 1 मिनट तक इसको लगातार ऐसे इस तरह मिक्स करना है, ताकि पूरे उंडे उंडे ना बन जाए, इसीलिए इसको लगातार मिक्स करते रहना है। देखिए, इस तरह से मैंने फ्लेम को तो मीडियम फ्लेम में लगा दिया है, तो जल्दी बनने के लिए। और थोड़ा इसमें कप में रह गया है वो भी डाल दे रही हूँ। देखिए, ये पकना शुरू हो गया है। अभी इसको हम इसी तरह से तो 1 आधा मिनट तक मिक्स करेंगे, ताकि दाग ना लगे, क्योंकि दाग जल्दी लग जाता है कभी कभी। रवा उपमा जो है ना, सूजी का उपमा जो है ना, जल्दी से दाग लग जाता है। हमेशा नॉनस्टिक कुकर लीजिए। अभी हम इसको 1/2 मिनट तक ढक्कन लगा देते हैं तो अच्छा सा पक जाएगा, क्योंकि लिक्विड से चाहिए तो मैं जल्दी से बंद कर दूँगी। अभी गैस को बंद कर दिया है, अभी मैंने प्लेट ले लिया है। अभी एक बार आपको मैं उपमा बताती हूँ ये कैसा बना है। देखिए, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा बनाया है ना मैंने। अगर आप लोग चाहिए तो या बाउल में ले सकते हैं, प्लेट में ले सकते हैं, आप अपना जैसा करना चाहते वैसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेट लिया है और प्लेट में परोस दूँगी। देखिए, थोड़ा मैं बोला ना, थोड़ा सा लिक्विड जैसा चाहिए बोल के, ज़्यादा रवा रवा जैसा नहीं बना सूजी का। तो इस तरह से आप चाहिए तो इसमें हरे धनिया भी डाल सकते हैं, करे पत्ता भी डाल सकते हैं, मगर उससे करे पत्ता पसंद नहीं है तो मैंने करे पत्ता नहीं डाला है। और वेजिटेबल्स भी डाल के बना सकते हैं और अच्छा बनेगा। और ये बिल्कुल कम चाहिए उसे खाने के लिए, तो मैंने कम बनाया है, नहीं तो हमेशा ज़्यादा बनाना पड़ता है। इसके आज थोड़ा ही बनाया मैंने। देखिए, इस तरह से
और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। देखिए प्याज थोड़ा शैलो फ्राई किया है, उसको बस इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके डाइट में है तो उसके मुताबिक बनाए हैं, तो आप लोग भी अगर डाइट में रहें दो या नहीं तो भी खा सकते हैं, क्योंकि तेल कम है, पूरे स्पाइसेस कम है, तो फटाफट ऐसे ही खा सकते हैं आप लोग अपना पसंद से, जैसा चाहे वैसा। देखिए इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा अचार डाल रही हूँ। अचार कौन सा भी ले सकते हैं, आम का या नीम का या चटनी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अचार लिया है, अचार का नाम लेते मुंह में पानी आता है, हर एक को आता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्लेट लिया है, वो प्लेट में मैं घर में जमा ऐसा दही है, बाहर से मत लीजिए, घर में जमा ऐसा दही लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए घर में जमाया तो वो टेस्ट ही डिफरेंट रहता है, बाहर से भी ला सकते हैं, जब सब्जी बनाते हैं आप लोग बाहर से ला लीजिए वो ना बोले तो, मगर घर में जब भी ऐसे प्लेन खाना चाहते हैं तो घर में बनाए से दही जमाए से दही खाइए, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लेट भर के ले लेते हैं, उसको दही ज़्यादा खाते हैं तो प्लेट छोटा सा प्लेट भर के डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से, अगर इसके ऊपर आप चाय चाहिए तो नमक भी छिड़क सकते हैं, नहीं तो लाल मिर्ची पाउडर भी छिड़क सकते हैं, छिड़क के खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो अभी पहला हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में दे देंगे। इसके पहला हम मेरे को अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैं अचार के साथ पहले टेस्ट कर लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा अचार लिया है, अचार के साथ ले रही हूँ। कौन सा भी अचार रहता इतना टेस्टी रहता है, उपमा उसके साथ बहुत अच्छा रहता है, और बनाना के साथ भी अच्छा रहता है, एक बार वैसा भी ट्राई कीजिए। बहुत टेस्टी टेस्टी बना है, अचार के साथ तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया टेस्ट आया है। और इसके बाद हम अभी दही के साथ लेते हैं, दही के साथ थोड़ा सा अचार भी टच कर लेते हैं करके, और खाते हैं इतना अच्छा टेस्टी रहता है। ये तो बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिए, और डाइट भी बहुत अच्छा रहेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।